बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एज वन मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ टू द साउथ पोल, द वैल्यू ऑफ जी अलोंग द पाथ, मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ जो है कोई मूवमेंट की है, किसी ने चल दिया है, पैदल चला है, जैसे भी चला है, सरफेस को टच करते हुए चलता है, तो उस केस में जो जी की वैल्यू है उसके रास्ते में कैसे कैसे वेरी करेगी। ऑप्शन है डिक्रीज एंड बिकम मिनिमम, इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज टू इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन फोर्थ है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखिए पोल के ऊपर सबसे ज्यादा अमाउंट होती है जी की वैल्यू जो मैक्स जी जो मैक्सिमम पोल पे होता है और मिनिमम इक्वेटर पे होता है, तो नॉर्थ पोल से जब साउथ पोल पे जाएगा तो पहले इक्वेटर पे होते हुए जाएगा, तो सबसे पहले जो है नॉर्थ पोल से जब चलता है इक्वेटर की तरफ तो वैल्यू जी की डिक्रीज होती चली जाएगी और इक्वेटर पे आने के बाद मिनिमम हो जाएगी, और इक्वेटर से फिर साउथ पोल की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज टू इट्स इनिशियल वैल्यू, आंसर इज सी।